नमस्कार, इंग्लिश गुरु पैकेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सरलता और सफलता से अंग्रेजी सीख सकें, इसलिए मेरे और अब आपके गुरु ने मुझे यहाँ भेजा है आपकी सहायता और आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं गेट। अपनी गेट बुक का पहला स्टेप खोलें, एक एक करके सेंटेंसेस पढ़ें, सीरीज से उसका वीडियो देखें और प्रोनंसिएशन सीखें। अगर कोई समस्या आती है तो आगे ना बढ़ें, एक बार फिर देखें। सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिलने पर हम नमस्कार करते हैं। अंग्रेजी में इसे विश करना या ग्रीट करना कहते हैं। सुबह के समय, हेलो गुड मॉर्निंग। दोपहर के समय, हेलो गुड आफ्टरनून। शाम के समय, गुड इवनिंग। आगंतुक भी आपको कुछ इसी तरह से ग्रीट करेगा। हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ इज द जॉब। और हम कुछ इस तरह से उत्तर देते हैं, आई एम फाइन, प्रिटी वेल, फिट एज अ फिडल। अंग्रेजी में बातचीत के दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, वेयर वर यू ऑल दीज डेज। मी, या आई हैव बीन टू सी माय फोक्स। बातचीत में हम कुछ इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमें कुछ इस तरह के उत्तर मिलते हैं। आई एम सोनिया, माय नेम इज सोनिया, मे आई नो योर नेम प्लीज। Why not? My name is Sonia. What do you do? I am a teacher. औपचारिक बातचीत को हम कुछ इस तरह से समाप्त कर सकते हैं। Okay, see you later. Goodbye. Bye bye. Have a good day. यदि विदा होने का समय शाम का है और अगले दिन मिलने की संभावनाएं नहीं हैं, तो हम कुछ इस तरह से कहते हैं। Good night. इस स्टेप के अंत में दिए गए व्यावहारिक सबक को ध्यान से पढ़िए। ये सबक आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और अगर आप मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब होगा, आई एम फाइन, थैंक यू। ये हमारी दूसरी मुलाकात है और हम एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, लेकिन आप तो मेरा नाम तक नहीं जानते, तो पूछिए ना। जैसा कल अंग्रेजी में सीखा था, आई एम अर्चना, आई एम योर फ्रेंड। नाम जानने के अलावा अब हम और कुछ भी जानना सीखें, जैसे शिक्षा, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, और कहाँ रहते हैं वगैरह वगैरह। यदि आप अपने परिचित से उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से पूछिए, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? और उनका जवाब हो सकता है, आई हैव कम्प्लीटेड माई प्लस टू, आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स। अब जरा ये तरीका भी सुनिए, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, I have done my MBA. I am in final year of MSc. Where did you do your school education? Where did you do your schooling? I had my school education in Dehradun. I had my schooling in Dehradun. इसी तरह से जब आपके college education की बात करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से होगी. Where did you do your college studies? I did my college studies in Indore. I did my graduation through correspondence course. दोस्तों, अंग्रेजी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, I hear, I forgot, I see, I remember, I do, I understand. हिंदी में इसका अर्थ होता है, मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मैं समझ गया। इसलिए तो आपकी इंग्लिश गुरु टीम आपको केवल सुनाती नहीं बल्कि करके भी दिखाती है और आपसे ये अपेक्षा रखती है कि आप इसका अभ्यास करके देखें। आपको आज के पाठ का अभ्यास करने के लिए अपने 5 दोस्तों से उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में सवाल करने हैं और अपनी शिक्षा के बारे में उन्हें बताना भी है। ओके देन, सी यू। हेलो फ्रेंड्स, आपने अपने साथी का नाम जानना सीखा और अपने स्कूल कॉलेज के बारे में जानना बताना सीखा। आइए एक कदम और आगे चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह किसी व्यक्ति के निवास स्थान के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, ये कैसे अपने निवास स्थान के बारे में बतलाया जाता है। जरा इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। Where do you live? Where are you living? I live in Vijayanagar. I am living in Vijayanagar. Where is your residence? I am residing in Andheri.
लेकिन आप तो ये भी जानना चाहते हैं कि ये सज्जन रहने वाले कहाँ के हैं, तो कुछ इस तरह से सवाल पूछिए और जवाब भी दीजिए। Where are you from? Where do you come from? Which is your hometown? Which is your native place? My hometown is Jabalpur. I belong to Jabalpur. Where do you live? I live at Vijayanagar in Indore. And you? I live in Indore at Vijayanagar. And you? Which place do you belong to? Which is your hometown? I am a native of Chandigarh. Where do you belong to? I belong to Chandigarh. How far is Chandigarh from Delhi? It is about 300 kilometers. How many hours drive? It is about 4 hours journey by road. About 4 hours journey by road. अब आपने अपना शहर बता दिया तो संभव है आपके परिचित आपके शहर के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। How is the weather there? Generally, it is quite hot. What is the major occupation of the people? What do people do there? The major occupation of the people is farming. What language is spoken there? What language do people speak there? People speak Punjabi there. They speak Punjabi. Punjabi is spoken there. Where does he live? Where does she live? Where do they live? He lives at Andheri in Mumbai. They live in Mumbai at Andheri. Hi friends, what's going on? अगर आपका मुझसे भी यही सवाल है तो मेरा जवाब होगा I'm very good, thank you. अब तक आप सफलता की 3 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। इन सवालों के जवाब भी आप देना सीख रहे हैं। दोस्तों बार बार अभ्यास कीजिए इनका ताकि आप बेझिझक किसी से उसका नाम आदि पूछ सके और आपसे ये सवाल किए जाए तो उनका जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दे सके। हमारे देश में जब हम किसी से परिचय करते हैं तो वे हमारे परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं और उनका जवाब कैसे दिया जाता है, आइए देखते हैं। Could you tell me something about your family? Ours is a large family. Ours is a small family. Ours is a large joint family. Ours is an orthodox family. Ours is a modern liberal family. और अब आइए हम सीखते हैं परिवार के सदस्यों के बारे में बतलाना। There are 8 members in our family. We are 6 members in a family. My father, my mother, my 2 sisters and a brother besides me. I have 2 brothers and a sister. We are 2 brothers and a sister. उनके कामकाज के बारे में कुछ इस तरह से बताएंगे। What is your father? What is he? What does your father do? Where does he work? Where is he working? He is working as a doctor with Escorts Hospital. He is a doctor in Escorts. और अब आपको अपने परिवार के लोगों के बारे में बताने के लिए वाक्य बनाने हैं और उनका अभ्यास भी करना है। So good luck, see you. Good evening. आज आप 5वीं सीढ़ी पर खड़े हैं और अपने बारे में बताना सीखना चाहते हैं और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने बारे में कैसे बताएंगे, आइए सीखें। Tell me something about yourself. I am a simple man. I am rather shy. I am an optimist. I am a religious person. आपका स्वभाव कैसा है ये तो आपने बताना सीखा, लेकिन आप कैसा अनुभव कर रहे हैं ये कैसे बताएंगे, कैसे पूछेंगे? अंग्रेजी में अनुभव करने को फील करना कहते हैं। आइए देखें किस तरह इसका उपयोग अपनी भावना बतलाने के लिए किया जाता है। I feel happy. I feel shy. I feel hungry. I feel thirsty. I feel sleepy. I feel tired.
आई फील गिडी, आई फील फीवरिश। आज आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो इसे आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे साथी डू नॉट का प्रयोग ना करते हुए डोंट का प्रयोग कर रहे हैं। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, आई डोंट फील लाइक वॉचिंग टीवी। अब आप किसी और के बारे में बताना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कहिए। माई फादर इज वेरी ऑनेस्ट, माई ब्रदर इज एडमेंट, माई सिस्टर इज वेरी इनोसेंट, माई अंकल इज वेरी हार्ड वर्किंग, माई फ्रेंड इज ऑलवेज चीयरफुल। फ्रेंड्स, अब अपने और चार दोस्तों के मिजाज के बारे में बताइए और अंग्रेजी सीखते समय आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपके परिवार के बाकी सदस्य कैसा अनुभव कर रहे हैं, इस विषय पर वाक्य बनाइए और अभ्यास कीजिए। टेक केयर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब तक आप अपने बारे में बताना सीख चुके हैं, अब आप अपने मकान के बारे में बात करना सीखेंगे। हिंदी में जैसे घर और मकान में फर्क होता है, वही फर्क होम और हाउस में होता है। आज आप सीखेंगे अपने मकान के बारे में बात करना। जरा देखिए, हाउ इज द न्यू हाउस? द न्यू हाउस इज कन्वीनियंट, द हाउस इज एयरी, द हाउस इज बिग, द हाउस इज लवली। When are you moving to the new house? लेकिन आप तो अपने साथी से उसके नए मकान के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से पूछिए। How is the water supply? There is no water problem at all. There is no scarcity of water. There is a well, but the water is brackish. The water is hard. The water is soft. Do you have a garden? Yes, there is a garden in our house. How many rooms are there? There are 3 rooms. Do you have parking space? Yes, we have enough parking space. How is the approach road? It is not so good. It is a very bad road. It is a good road. What is the nearest landmark? The nearest landmark is Qutub Minar. आप तो जानते ही हैं, आपको करके ही समझना है। और अब अपने घर के बारे में बताने के लिए 10 वाक्य बनाइए और इन्हें बोलने का अभ्यास कीजिए। ओके, बाय। हाय, वेलकम फ्रेंड्स। आपने पिछले दिनों जो साहसपूर्ण कदम उठाए हैं, वे आपकी सफलता की यात्रा की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यात्रा की शुरुआत ही सबसे ज्यादा कठिन कार्य होती है और आपने ये कठिन कार्य कर दिखाया है। अब तक आपने यदि इंग्लिश गुरु की सारी बातें मानकर प्रत्येक कदम के साथ अभ्यास किया है तो आपकी जीत तय है। फिर भी इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस चरण में सीखी गई सभी बातों को दोहरा लेना अच्छा होगा। इसके लिए आप स्टेप 7 में दिए गए सवालों को ध्यान से पढ़ें और अपने जवाब दें। ध्यान रहे, पुस्तक की मदद ना लें और जोर से स्पष्ट उच्चारण करें। हाय फ्रेंड्स, आपने अभी तक अपने परिचय से संबंधित सवालों के जवाब देने सीखे। अब दूसरों के बारे में ये जानकारी कैसे हासिल करेंगे, कैसे पूछेंगे इससे संबंधित सवाल, आइए सीखते हैं। आइए व्हाई और व्हाट से संबंधित सवालों का अभ्यास करते हैं। इंग्लिश गुरु की सलाह याद रखिए, पूरा वाक्य एक साथ कहें, कहीं भी अटके नहीं। आइए देखते हैं और सुनते हैं। व्हाट डेट इज टुडे? व्हाट मंथ इज दिस? What station is this? What is its name? What do you do? What did he ask you? What have you done? What are you doing? What is your opinion? What is your opinion about him? What is your sister's name? What is her name? What do you do on Sunday? What will you do? What are you doing? What have you decided? What time is it now? अब जवाब भी सुने और इसी तरह बोलने का अभ्यास करें। It is 9 o'clock. It is 10:30. It is 5:15. It is 6:10.
It is 20 past 8. What do you want? What is your hobby? What did you say? What did you buy? What work do you do? अब आप why का प्रयोग सुने. Why is he dull? Why is the train late? Why are you late? Why are you laughing? Why are you shouting like this? Why are you getting angry unnecessarily? Why are you asking me? Why do you worry? Then why did you call me? Why did you go there? Then why did you ask me to come? Why did you spend all the money? Why did you behave like that? Why do you stare at me? Why didn't you apply for the job? Why did you resign the job? Why do you always wear white shirts? Why are you telling me all this? Why didn't you inform me? Why didn't you phone me? इस चरण में आपने what और why का प्रयोग करना सीखा। अगले चरण में सीखते हैं when और where का प्रयोग करना। तैयार रहना। प्रश्न पूछना रोजमर्रा जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है और आपने पिछले चरण में ये अभ्यास शुरू भी कर दिया है। आइए हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं when यानि कब और where यानि कहां से शुरू होने वाले प्रश्नों को। Where से शुरू होने वाले सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं। Where are you coming from? Where do you live? Where did you meet him? Where did you keep the book? Where do you buy vegetables? Where is your mother now? Where did you keep that key? Where do you come from? Where are you now? Where are you working? From where do you purchase the books? Where are you living? From where did you purchase your suit? When से शुरू होने वाले सवाल कुछ इस तरह के होंगे। When will they come? When are you completing the computer course? When is the next flight? When did you return from Chennai? When did you meet him last? When are you going to Jaipur? When will they come? When did you join this course? When did you read your lesson? When will you come here? When did you meet Sanjay? When is your birthday? फ्रेंड्स, आपको सवाल पूछने की कला में माहिर बनाने का काम आगामी चरणों में जारी रहेगा, क्योंकि जानते हैं सवाल पूछने से ही बातचीत प्रारंभ होती है, सवाल पूछने से ही बातचीत आगे बढ़ती है और जारी रहती है, और तो और गुस्से से भी सवाल पूछे जाते हैं। आज आप who, whom, which और whose से प्रारंभ होने वाले प्रश्न पूछना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं who से। Who का शाब्दिक अर्थ है कौन। Who are you to command me? Who said? Who is that man standing over there? Who are you? Who told you? Who switched off the lights? Who called you? Who will help you? Who asked you? Who told you that I was not well? अब आप whom का प्रयोग करना सीखेंगे। Whom का अर्थ है किसे, किससे या किसको। Whom do you suspect? With whom did you come? Whom should we ask? Whom should we call? Whom shall we blame for it? Whom do we believe? Which का अर्थ है कौन सा या कौन सी? और अब आप which से प्रारंभ होने वाले प्रश्न पूछना सीखेंगे। Which bag is yours? Which is your hometown? Which color do you like? Which game do you like? Cricket or football? Which food do you like the most? Which language do you speak? Which is your car? Which bus goes to Delhi? Which one do you want? Whose का शाब्दिक अर्थ है किस व्यक्ति का या किसका? और अब आप whose से प्रारंभ होने वाले प्रश्न पूछना भी सीखिए। Whose book is this? Whose mistake is it? Whose signature is this? Whose bike is this? Whose mobile is red in color? Whose shirt is in the bag?
फ्रेंड्स, हमारे गुरु यानी हमारे इंग्लिश गुरु हाउ का प्रयोग सिखाने के लिए अलग से पूरा पाठ पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि हाउ का इस्तेमाल अलग अलग तरह के भाव और प्रश्नों को पूछने के लिए किया जाता है। आइए इस स्टेप में हाउ के प्रयोग से संबंधित अभ्यास शुरू करें। हाउ इज दिस, हाउ इज द मूवी, हाउ डिड यू गेट देयर, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ डिड यू रीच देयर, हाउ डू यू फाइंड द कोर्स, हाउ कैन आई नो दैट, हाउ इज योर फ्रेंड राहुल, हाउ डिड दे एस्केप, हाउ मच इज इट, हाउ लॉन्ग विल यू वेट, हाउ डू यू नो दैट, हाउ डू आई नो दैट, हाउ डिड यू कन्विंस देम, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ डिड यू लोकेट द ऑफिस, हाउ फार इज नैनीताल फ्रॉम हियर, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन दैट हाउस, हाउ आर द चिल्ड्रन, हाउ विल यू गो देयर, हाउ इज शी, हाउ डज ही गो टू कॉलेज, हाउ डज द ओवन वर्क, हाउ विल यू कम, हाउ टू ओपन दिस, हाउ टू पुट वॉटर इन द वॉटर बॉटल, हाउ टू बुक अ टिकट, हाउ टू प्रिपेयर टी। सफलता की पहली मंजिल की ओर आप 11 कदम बढ़ा चुके हैं। अभ्यास के साथ साथ हर पाठ के अंत में दिए गए व्यावहारिक सबक को आप पढ़ ही रहे होंगे, है ना? याद रखिएगा, अभ्यास के साथ साथ डेडिकेशन यानी संकल्प भी सफलता का एक मूल मंत्र है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दिन भर में हम कभी कोई निवेदन यानी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कोई आदेश देते हैं, कोई निर्देश देते हैं या निर्देश सुनते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह के वाक्यों को बोलना और समझना सीखें। आइए किसी को आदेश देना या किसी काम को करने के लिए कहना सीखें। ड्रॉ द कर्टन, डू योर वर्क, स्टॉप द कार, स्विच ऑन द लाइट, डोंट रिपीट इट इन फ्यूचर, पोस्ट द लेटर, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट बी सिली, बी पंक्चुअल, डोंट प्लक द फ्लावर, लॉक द डोर, फॉरगेट द पास्ट, लिसन टू मी, माइंड योर टंग, कीप इन माइंड, क्लोज द डोर, मीट मी टुमारो, अटेंड टू द फोन, अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर, ब्रिंग देम हियर, Wake him up. Put on your shirt. Pay the bill. Meet them in person. Get up. Get ready quickly. Take these pills for 3 days. Take him and show around the city. Send him out. Switch off the TV. Keep the change. Note the address. Don't go there. Don't quarrel with him. Don't move around with him. Don't talk about that. Don't make me angry. Don't talk to me. Don't eat too much. Don't spend all the money. Don't keep the door open. Don't beat about the bush. Hi, क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं? आप सोच रहे होंगे मैं आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्यों बात कर रही हूँ। अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इन वाक्यों में इज, एम और आर को कुछ खास तरीके से प्रयोग में लाया जाता है और इनका जवाब भी यस और नो में दिया जा सकता है। आइए सीखें कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इज ही एट होम, इज इट ट्रू, इज दिस सीट वेकेंट, इज ही योर रिलेटिव, Is the shop open? Is she your sister? Is your wife employed? Is this Dadar? Is it useful? Is this your pen? Is he your husband? Is this important? Is this worth 1,000 rupees? Is your house locked? Are you Mr. Sharma? Are you employed? Are you awake? Are they your relatives? Are you aware of that? Are you satisfied now?
Are you not well? Are you ready? Are you afraid of them? Are you taking rest now? Are you angry with me? Are you interested in that? Congratulations! अंग्रेजी सीखते हुए आज आपका 14वां दिन है। अब तक सीखी गई बातों की परीक्षा ले ली जाए। अगर आप इस परीक्षा में मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आपकी प्रगति संतोषजनक मानी जाएगी। और अगर आपने स्कोर किए हैं 60% मार्क्स, तो आप एक उत्तम विद्यार्थी माने जाएंगे। और अगर आपने स्कोर किए हैं 80% मार्क्स, तो आप एक सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी माने जाएंगे। पिछले 2 हफ्ते से आपने इंग्लिश गुरु से अंग्रेजी की कुछ प्रारंभिक बातें सीखी। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी दिनचर्या के बारे में विस्तार से बताया जाता है और इससे संबंधित सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं। आई रीड बुक इन इवनिंग। शी डांसेस विद मीरा। रूपा राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड। रहमान सिंग्स अ सॉन्ग। आई प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। They go for a walk. She lives in Canada. She drives a car. He plays guitar. She likes ice cream. They do not write in English. He does not like banana. I do not go to college every day. I don't like music. He does not eat food. They do not drink milk. She does not like walking. They do not read books. They do not watch films. They do not eat apples. What time do you get up in the morning? I get up at 6:30. What do you have in the morning? Tea or coffee? Normally, I take tea in the morning. What do you have for your breakfast? Mostly bread toast, but sometimes cutlets. Which newspaper do you read? I read Free Press. When do you leave for the office? I leave at 10 a.m. How do you go to the office? I go by bus. I go by scooter. I go by cycle. When do you return home? I return at 6 in the evening. When do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. पिछले चरण में आपने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाना सीखा। इस चरण में आप पास्ट टेंस यानी भूतकाल के वाक्य बनाना सीखिए। हम ज्यादातर अपने साथी को अपने साथ घटी घटना या अपने बारे में भूतकाल में बताते हैं। अतः पास्ट टेंस के वाक्य सीखकर हम अपनी क्षमता ही बढ़ाएंगे। I went to the market. He saw a film. My grandmother told a story last night. We played cricket yesterday. I did not go to school on Monday. Peter did not operate the computer. Girls used to play badminton here. Did you meet him? Did you switch off the TV? Did she buy banana? Did you get my letter? Did you go to school? Did anybody come? Did you lock the door? Did you close the windows? Did you return the pen? Did you call me? Did she say anything? Did you buy books? Did you understand this poem? Did you read the newspaper? Did you brush your teeth? He came on Monday. Why did he come here? With whom he came? He came to my office to ask for the books. When did he come? Did you eat? Did you write? How did he come? Did you switch off the TV? Did you understand this lesson? When did he come? He came to my office. He came by bus. He came by car. He came to meet my father.
He just came to see me. He came along with his wife. He came alone. इस चरण में हम अपने भविष्य की योजना अथवा गतिविधि के बारे में बताना सीखेंगे तो आइए हम करते हैं फ्यूचर टेंस के वाक्यों का अभ्यास गॉड विल हेल्प मी वी विल वर्शिप हिम इट विल रेन टुमारो सीता विल लर्न क्लासिकल म्यूजिक नेक्स्ट मंथ जॉन विल नॉट डांस इन पार्टी स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू द प्ले ग्राउंड शी विल डांस नेक्स्ट मंथ He will play cricket. They will take tea. You will meet him. Will they go there? When will they go? Are they coming here tomorrow? When are you going to complete the work? When are you going to get married? Are you going with them? When are you going to vacate the house? आपको कभी गुस्सा आता है तो कभी दुख होता है आपको इन भावनाओं को अंग्रेजी में व्यक्त करना आना चाहिए ना तो चलिए गुस्सा करना सीखिए आर यू इन योर सेंसेस गो टू हेल डोंट ट्राई माई पेशेंस गेट आउट ऑफ माई साइट वॉट द हेल डू यू वॉन्ट डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट वाई द हेल आर यू बिहेविंग लाइक दिस डोंट गेट ऑन टू माई नर्व्स Don't lose your temper. How dare you talk to me like that? I have come to the end of my patience. What the hell are you doing there? Get lost. How are you concerned with my affairs? You are always complaining about something. Stop telling me what to do and mind your own business. Were you out of your mind to do such a thing? Behave yourself, otherwise I will throw you out. Do you think you are very smart? Do you think I am not aware of it? Are you trying to make a fool of me? हमें समाज में कई मौकों पर कुछ विशेष प्रकार की बातचीत करनी होती है जैसे किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना किसी को सांत्वना देना या किसी का उत्साह बढ़ाना ये बातें किस तरह की जाती हैं? आइए देखते हैं डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट देर इज नो नीड टू वरी इट वॉज नो बडीज फॉल्ट वाई डू यू वरी देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम लुक देर इज नथिंग टू गेट नर्वस अबाउट एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स यू नो लाइफ इज नॉट सफरिंग ऑल द टाइम Nothing can be achieved by being depressed like this. Forget it. Anyone can make a mistake. I am sure it was not your fault and everybody knows it. There is always a solution to every problem. Through thick and thin. I will stand by you. Nothing like that will happen again. Don't worry. Why fear when I am here? Rain or shine, I will stand by you. Whatever is destined to happen will happen. Why fear? As long as I am with you. Don't worry, I too have the same problem. Tears don't solve any problem. आपके इंग्लिश गुरु ने आपको सांत्वना देना और उत्साह बढ़ाना सिखाया अगर कोई आपकी मदद करे आपको सांत्वना दे तो आपका भी फर्ज बनता है आप उसको धन्यवाद दें। यही तो शिष्टाचार है ना छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना पश्चिमी शिष्टाचार या यूं कहिए तो अंग्रेजी शिष्टाचार की विशेषता है हमें भी ये सीखना है और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है थैंक यू थैंक्स फॉर कॉलिंग थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प Thank you very much. It was nice of you to arrange everything in such a short time. Thank you very much. I will never forget your timely help. Thank you very much. I don't know how to express my thanks to you. Thank you for reminding me. That's okay.
That's all right. No problem. Don't mention it. You are welcome. I don't know how to thank you. I am very grateful to you.